हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, आपको किसने बका दिया, इकरा आ जाओ कोई आ जाओ। रविंदर मशोली और भाजपा की मिली भगत है? मिली भगत है, 100% मिली भगत है। अच्छा। हाँ, ये इसके सपोर्टर थे, ये थे सारे पीटे उनने। दो आदमी आगे तो हमारे गांव की बात टूटी आई थी, उन्हें आज भी बढ़ाना कहे। आज तक किसी भी विधायक ने धर्म सिंह जितना काम पूरे हल्के में कराया नहीं है। आप स्कूल ले लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं समालखा विधानसभा में मौजूद हूं, और यहां से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से धर्म सिंह छोकर को चुनाव मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा है, और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंदर मछरोली चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या एक बार फिर से धर्म सिंह छोकर यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे, या फिर मनमोहन भड़ाना यहाँ पर जनता के मन को मोह रहे हैं, या फिर रविंदर मछरोली यहाँ पर तख्ता पलटने में कामयाब होंगे, या फिर स्वयं ही वो पलटी खा जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर समालखा विधानसभा के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। ये जगह कौन सी है बाबू जी? ये राजीव कॉलोनी समालखा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा मास्टर दिलीप सिंह आ रही है। अच्छा मास्टर जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव में इस समय? धर्म सिंह छोकर हैं, रविंदर मछरोली हैं, और मनमोहन सिंह भड़ाना हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, और समालखा में भाई धर्म सिंह छोकर बड़े भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि मेरे लिए इलेक्शन को नई बात नहीं है, मैंने स्वयं जिला परिषद का मैं मेंबर रहा हूँ, और मैंने 2 MLA मेरे इससे पहले भी अपने हाथ में माइक लेकर के उन लोगों को कामयाब किया। 84 गांव मेरे हल्का संभालका है, मैं सभी गांव में को मैं जाता हूँ, जानता हूँ सभी को। तो मैं भी घूम करके आज जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, मैं भी अपने तौर पर यह देखा कि हवा किस रुख की चल रही है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको बड़े भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि समालखा में भाई धर्म सिंह छोकर जो है वो कामयाबी की ओर बढ़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। मतलब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस को प्रदेश में लाना चाहते हैं, ये वजह है, या फिर धर्म सिंह छोकर ने पिछले 5 सालों में मतलब विकास किए हैं? देखिए, दोनों फैक्टर हैं। नंबर एक तो बीजेपी सरकार ने जो देश में वातावरण बनाया, भाई भाई को लड़ाने का, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने का, और सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ कि इस देश के पहलवानों को, जवानों को, किसानों को इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने हरियाणा में विशेष तौर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हरियाणा में, हरियाणा का भट्ठा बिठाने में। किसी बरादरी को भी साथ लेकर के ऐसा वातावरण उन्होंने नहीं बनाया कि उन पर भरोसा किया जा सके। अभी विनेश फोगाट का एपिसोड आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, और मैं उसको अपनी तरफ से, हम राठी, मैं राठी हूँ, राठी का आप हरियाणा की तरफ से 100 ग्राम का मेडल मैं अपने हाथों से उस बेटी के गले में डाल करके आया हूँ। जाट समाज से हो आप? मैं जाट हूँ, मैं राठी हूँ, और वहाँ वो राठियों की वो बहू है। रविंदर मछरोली का क्या होगा? वो भी तो जाट समाज से हैं। वो रविंदर मछरोली पीछे इलेक्शन में मना बनाया था मेरा भाई। अच्छा। मेरा नाम मास्टर दिलीप सिंह है। अच्छा। हरियाणा के समालखा के, सब हरियाणा तो बड़ा है, समालखा के जिस गांव में जाओगे मेरी चर्चा एक बार कर दियो, मेरे जानने वाले 84 के 84 गांव में है। अच्छा। और उन लोगों से ही मैंने जानकारी ली है कि हवा किस रुख की चल रही है। उन लोगों ने वो तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके लिए अगर थोड़ा सा टच में रहता लोगों के तो उसने तो मेहनत भी नहीं करनी थी। लेकिन वो तो MLA बन करके 5 साल ही समालखा हल्के के भाग फोड़े, कुछ भी तो एक रोड़ा लगाया नहीं, कहीं किसी के दुख सुख में, ब्याह शादी में, जन्म मरण में कहीं शरीक नहीं हुआ वो आदमी। चर्चाएं तो ये की जा रही है, ये बात यहाँ पर फैलाई जा रही है इस क्षेत्र में कि जाट समाज तो रविंदर मछरोली को वोट दे रहा है। ये अफवाह बीजेपी की उपज है। इन्होंने ये एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जहां आजाद उम्मीदवार इस पोजीशन में है कि कोई 5-7 हजार वोट लेने वाला है, उसको लिफ्ट दो और ऐसा वातावरण बनाओ कि लोग भ्रम में पड़ जाएं। और विशेष तौर पर झगड़ा जाट बरादरी के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी को ये अंदेशा है कि सारा जाट समाज जो है तुम्हारे खिलाफ है, और इनको डिवाइड कर दो ताकि जो बनने वाले लोग हैं 5-7-10 सीटें हमारी आ जाए, और जो आजाद जिनको हम स्पॉन्सर करेंगे उनको थेपड़ के अपनी तरफ ले आएंगे, और शायद फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। रविंदर मछरोली और भाजपा की मिली भगत है? मिली भगत है, 100% मिली भगत है।
हाँ ये मैं वैसे ही केवल रविंद्र के नहीं, हर जगह पर। गन्नौर में आप जाइएगा, वहाँ देवेंद्र कादियान के साथ ऐसा ही हो रहा है। कई ऐसे कैंडिडेट जो फाइट में हैं, उनको इन्होंने नीचे नीचे सह दे दी और अपने आदमियों को कहना शुरू कर दिया भाई इस प्रकार का माहौल बनाओ कि ये भ्रम हो जाए लोगों को कि कांग्रेस तो फेल होने जा रही है और आजाद उम्मीदवार और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कह रहे तो यहाँ से एक भाई यूपी से सांसद आई थी वह चौधरी इकरासन, और यहाँ से एक धर्म सिंह छोकर का खेल बगाड़गी, रविंद्र मछरौली का माहौल बनाएगी। देखिए परसों मैं उसी मुस्लिम इलाके में था, घूमने ही गया था क्योंकि मुझे चस्का है, मैं मेरी रुचि है राजनीति के इस फील्ड में थोड़ा सा, और इस पड़ाव पे हूँ। मुझे खतरा है कि संभालखा हल्के के कहीं भाग फेर ना फूट जाए। 15 साल से हम यहाँ खाली बैठे हैं, निष्क्रिय हैं। 10 साल ये बडाणा साहब रह गए वहां से इम्पोर्टेड आकर के, हमें भूखन बता करके यहाँ हलवा खुआ के लोगों का, और वो पैसे का तमाशा करके वो कामयाब होकर चले गए। आप लोगों को भूखा बताना थे बढ़ाना जी? हाँ बिल्कुल, भूख हमने तो जेबन से वोट खरीदा है, ये तो भूखन एरिया है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हर गांव में आपको ये मिलेगी बात है भाई। तो वो भी बात लोगों को याद है, अरे इतना संपन्न एरिया संभालखा का, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का, हुआ हमें भूखन बता हुआ है, और फिर फील्ड में वो तो सेटिंग करके हमारा यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट था शशिकांत कौशिक, बहुत अच्छा फील्ड था उसका, अगर बीजेपी उसको टिकट देती थी मेरे जैसे लोग भी उसके समर्थक थे। मतलब आप लोगों के मन में ये बात है कि भाई ये तो बढ़ाना तो भारी है। भारी तो है ही भारी, निश्चित है। 2000 का तो टोल लगेगा उड़ा जान दिया ना, 2000 किराए के लागेंगे, किराया 4000 तो लाग गए। मान लो इमरजेंसी है, विधायक से ऐसा वातावरण बन गया कि हर वक्त काम पड़ सकता है। यह बात आपकी समझ में भी आई? पहले भी तो जीते हैं यहाँ से बढ़ाना जी? हाँ पहले जीते भाई, पहले मेरे जैसे तो सर्विस में थे, हम अपन लिए कोई बात कह नहीं सके थे, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, और अब जो है हमारी खुली छूट है, और फिर लोगों ने उनके वहां माहौल को देख लिया। 5 साल भाई रविंदर रहा MLA बनकर, अपने घर में लौट गया, अंडरग्राउंड हो गया, किसी के दुख सुख में आया नहीं, किसी की गमी खुशी में आया नहीं, कहीं कोई उसकी हिस्सेदारी नहीं रही, ना संभालखा में कोई ईंट लगी। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल आपसे चौधरी इकरासन को लेकर करा था कि यहाँ पर वो आई थी रविंद्र मछरौली के प्रचार में, तो कितना असर यहाँ चुनाव पर डाल पाओगी? राणा माजरा, पत्थरगढ़, गड्डी बेशक, नवादा हार, नवादा पार, और उन जलालपुर, उन सारे गांवों को जानता हूँ मैं, 7 गांव है मुसलमानों के, और वो सारे गांव की चौधर में जाना है। मैं उन बैठका में बैठ कर, और 2 जगह तो मैं उस बरादरी में चाय पी करके आया हूँ, जो इन वातावरण बना है हिंदू मुसलमान का, मैं उस दीवार को ढाने के लिए और ये पूछने के लिए गया था भाई आप लोगों का क्या विचार है। निवोले मास्टर जी, हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, आपको किसने बका दिया? इकरा आ जाओ, कोई आ जाओ, हमारे तो ये यूं है कि गुआंडी भाई है, आप आगे आपको आप वेट करनी पड़े, कोई और आ जाओ उसको भी करनी पड़ेगी। यहाँ वोट जो है वो 80% 100% तो कहीं भी नहीं होती, किसी बरादरी में नहीं होती, 80-85% वोट हमारी जो है वो कांग्रेस को जाएंगी, और संभालखा में कांग्रेस का कैंडिडेट चौधरी धर्म सिंह है, हम अपना वोट और समर्थन उसको देंगे, ये निश्चित बात है। भाजपा प्रत्याशी मनमोहन बढ़ाना भी कुछ लोगों के मन को मोह रहे हैं या नहीं? आपका भी मन मोहा या नहीं? हमारा कहाँ मन मोहेगा, किसी का मन नहीं मोह सकता, तो पैसे की राजनीति करना चाहता है, लोगों को खरीद कर ये चाहता है कि भी लोगों को खरीद लूंगा और मैं यहाँ से बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बढ़ाना साहब जब बने यहाँ पर दूसरे विधायक थे, उनसे लोग दुखी थे, लोगों को कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा था, इनको इसलिए बना दिया था, उसके बाद लोग परेशान हो गए, काम करवाना होता था, फरीदाबाद जाना होता था, रात को 12 बजे 1 बजे जब मिलता था उसको करके फिर सुबह घर आते थे लोग। अच्छा चुनाव जीत के फरीदाबाद फुर, अब की बार भी फुर ही है, कोई मिल नहीं सकता यहाँ पे इसका जी। तो चुनाव जीत के फरीदाबाद फुर हो जाते हैं? ये तो निश्चित है, मैं तो पिछले बार वोट नहीं दिया था, वेरी क्लियर, लेकिन हमारे गांव की पंचायत जाओ थी, मैंने उनको कहा अपने विधायक का ठिकाना भी नहीं दिखाया तुमने, तो वो बोले चलो जी, गए रात ने 11 बजे 11:30 बजे आए, एक ऑफिस में अपनी चेयर थी, एक कूण मान के बैठ गए, 11 बजे अंबिया देनी में सफर करके तय करके गए, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कह दिया अरे इनको लोगों को खाना खिलाया है कि नहीं? हाँ जी खाना तो खिला दिया। अरे खाना खाना आए थे कि इतनी दूर, हम इतने का खाना तो संभाल कर 70 माइल स्टोन पर बैठ कर खा लेते,
शुक्र मनाओ, उन्होंने कहा कि इन भूखन लोगों को खाना खिलाओ। वो भी कहा गया, हाँ एक आध के साथ वो भी होया, अरे ये भूखन लोग हैं भाई, इनको खाना खिला दिया करो। अरे दुर्भाग्य है हल्के के विधायक ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। वो गर्मी है भाई, उनके पास पैसे की संपन्न लोग हैं और वो राजनीति में अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हैं। उन्होंने जनता की दुख तकलीफों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धंधे उनके इस प्रकार के हैं कि कोई भी रूलिंग पार्टी आ जाओ वो पैसे चढ़ा करके और उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी को सेफ करें, अपने खान का व्यापार चलता रहे उनका। वो तो राजनीति में इसलिए हैं, बाकी पैसा है उनके पास, पैसे के बल पर कुछ परसेंट हल्के में लोग होते हैं कि उस पैसे के कारण कहीं ना कहीं वो असर थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। मास्टर जी, मैंने जब आपसे बात करनी शुरू करी और जो मैंने आपका हुलिया देखा, आपने जो ये पगड़ी बांध रखी है और इसका जो रंग है, मुझे सोचा मगा ये तो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बोल लेंगे। मैं ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, केसरिया रंग मेरे ऋषि का था और ये पगड़ी तो मैं धोती पगड़ी, ये तो हमारे हरियाणा की हिंदुस्तान के कल्चर है, विशेषकर हरियाणा की, इसलिए मेरा लिबास है। मैंने 35 साल हाई क्लासेस को टीच किया है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी 66 में। ये मेरी पगड़ी धोती तो मैं अपने समाज से अपने उस विरासत को याद रखने के लिए कि भाई हमारा, हमारे दादा का, हमारे बाप का ये पहनावा था, ये लोग पहनते थे, इसलिए मेरा ये लिबास है। आप बताओ जी, आप बड़े शांत खड़े हो, ठंडे से लग रहे हैं मुझे, क्या बात है? अच्छा, क्या है मन में आपके? कांग्रेस को बनाएंगे, धर्म सिंह बनेगा। अच्छा, बीजेपी से करतार सिंह बढ़ाना बने था, फरीदाबाद गांव से 10 आदमी गए थे उसके पास, बंसीलाल मुख्यमंत्री होता था, यूनाइट गया काम करने से, बगैर कहे मुख्यमंत्री मारी चौपाल में आग बैठ गया मनाना, और सारे काम उसने करवाए। बोले मैं विधायक हूँ तारा, उससे बात नहीं करनी, तो सारे काम बंसीलाल ने करवाए। आप बता रहे कि बराना जी धनवान है, तो धर्म सिंह छोकर नहीं धनवान है क्या? धनवान तो होंगे भाई, धर्म सिंह छोकर पैसा फेंकने वाले धनवान नहीं है। अच्छा। अपना काम धंधा तो रोटी तो वो भी खा रहे हैं। हाँ। और राजनीति आजकल वो तो कराया ही नहीं कि भाई बिल्कुल कुछ बगैर करे, कोई गाड़ी घोड़े ये लोगों के लिए चाय पानी ये तो करना ही पड़ता है कोई भी हो। अच्छा, ये पैसे फेंक दे बराना, ये तो मेज पगड़ी घेर रखी, बुगटा भरो और अपने घर खानी चल पड़ो। शराब बांट रहे नहीं, अगर बन भी गए तो फिर बाद में आने वाले टाइम में सरकार में भी तो अफरा तफरी मचाओगे ना। हो सके सरकार तोड़ दे। अच्छा, हाँ, का इतिहास है, करतार सिंह बड़ाणा जी ने जो है ना सरकार तोड़ी थी। हाँ हाँ, बंसीलाल जी की सरकार तोड़ी थी और उन्होंने इन तक शराब दिया था, कहने भाई तब ना अपने गाँव के मेंबर नहीं बन सकते, एक तो इनको और वो दूसरे कौन थे जी, राव नरवीर सिंह थे ना शायद, तो इन तक शराब दिया था उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी ने, कहले तुम लोगों ने अपने गांव के पंच नहीं बन सकते आने वाले टाइम में, और ऐसा हुआ इनके साथ। अच्छा। ये धक्के खाते फिरे। अच्छा। शायद मेरे ख्याल में एक बार खतौली का नंबर पड़ गया था, उसके बाद वहां भी जीरो, फिर ये अब की बार मंगलोर में काफी मोटा बता रहे थे भाई खर्चा करे, एक दो यार दोस्त थे उधर, तो उन्होंने फिर भी शर्म कर ली भाई चलो अपना गुज्जर भाई है, कुछ जाट भाई भी साथ में लग गए, इसको वोट मिली, हालांकि वहां से 20,000 से हार रहा, वैसे तो अगर गिनती करें तो 450 वोटों तो हार गया, मतलब वफादार नहीं है किसी पार्टी, वफादार नहीं है, ये लोग अपने काम के हैं, अपने काम तक सीमित है रूलिंग पार्टी, हमेशा इनका विश्वास यही है भाई कोई भी पार्टी है अपना टाइम पे टिकट ले लो, बस पैसा फेंको टिकट लो, इलेक्शन जीतो। इतना अगर पॉपुलर हो तो अपने वहां से क्यों नहीं चुनाव लड़ता, ये कभी खतौली भागता है, कभी मंगलोर भागता है, कभी समालखा है, कभी दौसा में, दौसा में गया राजेश भाई, जो गुज्जर बरादरी के मसीहा रहे हैं राजेश पायलट जी, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने राजस्थान में गया, लेकिन वो राजस्थान के लोग तो इतने स्टेमिना के लोग हैं, जो इसके सपोर्टर थे ये थे सारे पीटे उनने, दो आदमियों के तो हमारे गांव की बात टूटी आई थी, उन्हें भी आज भी बढ़ाना कहे हैं। अच्छा। बढ़ाना की गेल जो लोग गए थे वहां पिट्टे बढ़ाना जी भी पिट्टे बाजू तोड़ रखी थी, छह छह महीने पट्टी बांधे फिरे, लोगों ने डेजिग्नेशन दे दिए तो बढ़ाना है, ये हाल है इन लोगों का। तो आप भी भारी का विरोध कर रहे? बहुत भारी, हमने तो व्रत रखा है चौटाला राज में, वहां से नींद नींद लेकर आ कर दिए काम पाओ भी थोड़ा खाने में भी। तो मतलब आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हो, धर्म सिंह छोकर के, धर्म सिंह छोकर को विजयी बनाएंगे। अच्छा, धर्म सिंह के साथ साथ आम ये तो एक पानी सर है,
धर्म सिंह के साथ साथ हम काम के साथ भी है। आज तक किसी भी विधायक ने धर्म सिंह जितना काम पूरे हलके में कराया नहीं है। आप स्कूल ले लो, अपग्रेड करवा लो, या हॉस्पिटल ले लो, सड़कें ले लो, PSC ले लो, मतलब कोई भी आप लोगे तो सब काम धर्म सिंह ने, खेल स्टेडियम ले लो, सब काम धर्म सिंह ने करवा रखा है जी। आप फाइनेंसर है? हाँ, बढ़ाना तो फाइनेंसर है बीजेपी का। अच्छा, ये तो माहौल खराब करने के लिए मदारी है, तो इन्हें कितनी भी तार देंगे। मदारी है बीजेपी का कि मदारी है, यो पैसे के बल पे किसी का भी खेल बगाड़ रहा खाता बता रहे हैं इसको, लेकिन ऐसे डुगडुगी बजा रहा। हाँ, डुगडुगी बजा रहे। तो यहाँ पर सब जाट समाज के ही लोग खड़े हैं यहाँ से जितने हैं, या अलग अलग समाज के? अच्छा, मिले जुले हैं, तो मतलब सब जो है कांग्रेस के साथ हो? कांग्रेस के साथ दल से। हरियाणा में तो लोगों को उड्डा याद आ रहा है, और खट्टर का 5-9 साल का शासन देखा लोगों ने, लाल बतेरे देख लिए पर लाल करोड़ी पाया कोना, हरियाणा का भट्ठा बैठा गया, और यू के था इसका नाम मनोहर लाल शर्माया कोना, कतई कुछ भी तो नहीं करया, सिर्फ चंडीगढ़ बैठ के चुपचाप अपना चले गया, अपना 9.5 साल राज करके। लोग तो काम चाहे है, सर काम बतेरे करे ना, सरपंच पीटे, आंगनबाड़ी वर्कर पीटे, पहलवान पीटे, किसान पीटे, और के एक बेचारा और के मनसन खा गए बेचारे, बहुत काम करे शेषन ने। बाकी नो भाई, ये गुरु जी खड़े अपने अच्छे पर हम सब कबा दो, उसका दिल पास है सब सारा कांग्रेस के साथ। हमारा भी लगा गया कभी एक आधा खलवा, हमारे को लगा हम सोचे के दोहरा देश के, हमारा के मतलब भाई मारा लग रहे फुहारे पानी के। अच्छा, इतना पहना फुहारा था मनस के, मैं गली कट गया। 9-10 महीने तो ये होते हैं, हमने 9-10 महीने लटका कर रहे हम तो, इसका काम लट पे लटका था। चलिए, तो आप देख सकते हैं समालखा विधानसभा के, ये यहाँ पर राजीव कॉलोनी ये है, और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय को व्यक्त किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।